गाइस, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि टाउन हॉल 13 की बेस्ट पार्टी विजार्ड अटैक स्ट्रेटजी। तो उस वाले वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई टाउन हॉल 12 की भी अटैक स्ट्रेटजी बताओ मुझे पार्टी विजार्ड की, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पे इवेंट्स को कम्प्लीट कर सके। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टाउन हॉल 12 की बेस्ट पार्टी विजार्ड अटैक स्ट्रेटजी, जिससे आप किसी भी टाउन हॉल 12 मैक्स आउट बेस को इजीली 3-स्टार कर सकते हो। एंड अगर आप लोग किसी दूसरे टाउन हॉल पे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, ताकि मैं उसकी भी अटैक स्ट्रेटजी बहुत जल्दी लेके आऊँ अगर आपके कमेंट्स आते हैं। तो चलो अभी हम लोग सिंपल सा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर भाई साहब पूरा एंड तक वॉच करना है इस वीडियो को, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको काफी मस्त यहाँ पे अटैक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ टाउन हॉल 12 की, जिससे आप किसी भी टाउन हॉल 12 मैक्स आउट बेस को इजीली 3-स्टार कर सकते हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस, ये रही हमारी आज की अटैक स्ट्रेटजी। आप लोग देख सकते हो मेरे पास में यहाँ पे 14 पार्टी विजार्ड एंड 2 एटी एंड 4 मिनियन, 2 गोलेम, 10 विच एंड स्पेल्स के अंदर 8 लाइटिंग स्पेल, 1 फ्रेज स्पेल एंड 2 मेरे पास में यहाँ पे अर्थक्यूक स्पेल एंड सीसी के अंदर 1 पैक का 3 जाइंट एंड स्पेल में रेंज स्पेल एंड लॉग लॉन्चर है। ओके, तो चलते अभी हम लोग अटैक के लिए। तो फाइनली मैंने एक टाउन हॉल 12 का यहाँ पे पूरी तरीके से काफी मस्त बेस यहाँ पे फाइंड किया है। तो इसी बेस को हमको 3-स्टार करना है, लूट भी इसमें ठीक ठाक है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉप करूंगा इन्फ्यू टावर के ऊपर 4 लाइटिंग स्पेल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ लेवल 5 का इन्फ्यू टावर है भाई ये, आप लोग समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पे 4 लाइटिंग स्पेल डालता हूँ, एक यहाँ पे अर्थक्यूक स्पेल एंड वापस इसके ऊपर डालूंगा मैं 4 लाइटिंग स्पेल, एक एंड एक अर्थक्यूक स्पेल। ओके, बट ये डाउन नहीं हो पाएगा भाई। पीछे डाउन हो गया क्या? हो गया। चलो ये भी डाउन हो गया सिंपल सा। एंड यहाँ पे अपने 2 गोलेम एंड 2 येटी डाल दी मैंने, पीछे से अपनी सारी विचेस डाल दूंगा मैं यहाँ पे, लॉग लॉन्चर किंग क्वीन एंड यहाँ पे डाल दूंगा अपना बुड्ढा। ओके, रॉयल चैंपियन है नहीं हमारे पास में क्योंकि टाउन हॉल 12 पे हम लोग, पीछे से अपने सारे पार्टी विजार्ड्स को यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा मैं एंड उसके बाद में अपने 2 मिनियन को छोड़ दिया मैंने। मेरे पास में एक यहाँ पे फ्रेज स्पेल है एंड एक रेंज स्पेल है। तो रेंज स्पेल का यूज आपको गाइस वहीं पे करना है जहाँ पे आपका लॉग लॉन्चर मशीन फूटे, मतलब गाइस जहाँ पे आपका लॉग लॉन्चर मशीन खत्म हो जाए ना वहाँ पे आप सिंपल सा रेंज स्पेल का यूज कर देना आपको, बट उसके आसपास कुछ डिफेंसेस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा मैदान खाली है और आप लोग वहाँ पे रेंज स्पेल का यूज़ कर दो। तो अभी देखना मेरा लॉग लॉन्चर सेम टू सेम फूटेगा टाउन हॉल के यहाँ पे, तो मैंने उससे पहले यहाँ पे एक रेंज स्पेल का यूज़ कर दिया क्योंकि मेरे बाकी के ट्रूप्स भी वहीं पे आ रहे थे। ओके, एक फ्रेज वजह मेरे पास अगर यूज़ ना भी करूँ तो भी भाई साहब बेस तो 3-स्टार निकल जाएगा, बट हम लोग इसका यूज़ कर देंगे, आप लोग टेंशन ना लो। ओके, क्योंकि हम लोग को कुछ भी बचा के नहीं लेके चलना। एंड आप लोग मेरी आर्मी देख सकते हो मेरे पास में कितने सारे ट्रूप्स अभी भी जिंदा है, आप लोग लाइव देखो। एंड मेरे पास में अभी तो किंग है, सॉरी क्वीन एंड वार्डन की एबिलिटी फुल हेल्थ के साथ में बाकी है। तो गाइस आप लोग लाइव देख सकते हो इस आर्मी का पावर। एंड देखो मेरे पास में अभी भी बहुत सारी आर्मी यहाँ पे जिंदा भाई साहब, येटी एंड गोलेम एंड विच, यानी कि मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे मतलब कितनी बोलूं भाई मैं आपको, 35% आर्मी मेरी अभी भी जिंदा है। ओके, तो ये था आज का हमारा पहला अटैक, अभी तो हम लोग और भी अटैक्स करेंगे। तो फिर से हमारी आर्मी रेडी है एंड वापस से मैंने वही वाली आर्मी लिए, आप लोग मेरी आर्मी अच्छे से चेकआउट कर सकते हो, मैंने कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ी नहीं की। ओके, तो चलते हम लोग वापस से एक और अटैक के लिए। तो गाइस फाइनली मुझे मिल चुका है वापस से टाउन हॉल 12 का बेस एंड इस बेस को कैसे 3-स्टार करना है चलो देखते। आपको यहाँ पे फोकस करना है सिर्फ इन्फो टावर एंड जो आपको दिख रहा है ना मतलब एक्सबो एंड ईगल मशीन, इन पे फोकस करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं अपनी 4 लाइटिंग स्पेल छोड़ता हूँ इस वाले मतलब इन्फो टावर के ऊपर, ताकि ये यहाँ पे टेक डाउन हो जाए। ओके, 4 लाइटिंग स्पेल मैंने यहाँ पे डाला एंड एक यहाँ पे डालता हूँ अपना अर्थक्यूक स्पेल। ओके, तो ये वाला इन्फो टावर हमारा जा चुका है एंड वापस से मैं 4 यहाँ पे डालता हूँ लाइटिंग स्पेल। किस पर डालूँ? यहाँ पर डालता हूँ मैं मतलब कि एक्सबो के बीच में, ताकि ये भी यहाँ पे टेक डाउन हो जाए। भाई टेक डाउन नहीं हो पाए, चलो कोई ना, अभी मैं सिंपल से यहाँ से डालूंगा अपना लॉग लॉन्चर एंड उसके बाद में यहाँ पे अपने 2 गोलेम को छोड़ दिया मैंने एंड अपनी दोनों येटी को यहाँ बीच में ड्रॉप कर दिया। पीछे से अपने सारे डाल दूंगा मैं विचेस एंड उसके बाद में अपने जो हीरोस है किंग क्वीन एंड बुड्ढा एंड उसके बाद में अपने यहाँ पे डाल दूंगा मैं पार्टी विजार्ड सारे पीछे से, ताकि थोड़ा बहुत फनल बना ले। ओके, एंड जो आपको सामने की ओर इन्फ्यू टावर दिख रहा है ना, जो कि हमारे मतलब यहाँ पे ट्रूप्स को खींच रहा है, उसके ऊपर हम लोग एक फ्रेज स्पेल का यूज कर देते हैं सिंपल सा। ओके, एंड मेरे पास में एक और फ्रेज बची, एक और रेंज स्पेल बची, तो एक फ्रेज का यूज करूंगा मैं सिंपल सा टाउन हॉल के यहाँ पे, क्योंकि टाउन हॉल यहाँ पे भाई साहब ईगल एक्सबो सब कुछ है, यानी कि मेन डिफेंस वहीं पे। एंड सीसी में से भी ट्रूप्स निकल गए, अब तो रेंज स्पेल डालना ही पड़ेगा। एंड सीसी के ट्रूप्स एंड टाउन हॉल के ऊपर मैंने डाल दिया एक फ्रेज स्पेल, ताकि वो फ्रेज हो जाए, क्योंकि हम लोग पॉइजन लाना भूल गए थे। आप लोग पॉइजन लाना मत भूलना। ओके, अगर आप लोग चाहो तो पॉइजन ला सकते हो, ना लाओ तो भी बेस 3-स्टार निकलेगा। एंड देख सकते हो 61% हमारा बेस निकल चुका है एंड अभी भी मेरे पास में काफी ज्यादा आर्मी मतलब अभी जिंदा है। ओके, एंड गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताना आप लोग प्लीज कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग कौन से आर्मी के साथ में लेके आए, कौन सा टाउन हॉल के ऊपर पार्टी विजार्ड की अटैक स्ट्रेटजी हम लोग बताए। ओके, क्योंकि टाउन हॉल 13 का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, अगर आप लोग टाउन हॉल 13 पे हो तो उस वीडियो को देखना मत भूलना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। ओके, तो क्लिक करके जरूर से देख लेना एक बार। एंड ये था हमारा टाउन हॉल 12 की अटैक स्ट्रेटजी का आज का वीडियो। तो 89% हमारा बेस निकल चुका है, मैंने किंग एंड सॉरी क्वीन एंड वार्डन की एबिलिटी यूज कर दी, अगर यूज ना भी करता तो भी बेस 3-स्टार निकल जाता, बट हमने टाइम को यहाँ पे
हमें बचाते हुए फटाफट उसकी एबिलिटी यूज कर दी। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट हमने 1.5 मिनट के अंदर इस बेस को 3 स्टार कर दिया। तो आर्मी का पावर तो आप लोग के सामने है, मैं तो अब भाई साहब कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप लोग जो भी देखना है आप लोग ही देखो। तो ये था आज का हमारा सेकंड अटैक और हम लोग एक और अटैक करेंगे। तो हमारी वापिस से आर्मी रेडी है। इस बार मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे मतलब रेंज स्पेल को हटा के 2 फ्रेश स्पेल ले ली मैंने सीसी के अंदर। हाँ आप लोग बाकी की आर्मी मेरी सारी की सारी सेम टू सेम है, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि मैंने फ्रेश स्पेल क्यों ली, क्योंकि मैं अभी न्यू एक्सपेरिमेंट करने का सोच रहा हूँ, देखता हूँ फ्रेश सही है या फिर रेंज सही है इस आर्मी के साथ में। ओके तो चलते गाइस अभी हम लोग सिंपल सा अटैक लिए एंड फाइंड आउट करते हैं बहुत अच्छा सा बेस। तो भाई साहब ये लो मिल चुका है मुझे वापस से एक बेस एंड टाउन हॉल 12 का मैक्स आउट बेस है। इस बेस को कैसे 3 स्टार करना है चलो देखते हैं। एंड ये बेस तो और 100% मैक्स लग रहा है मुझे। तो गाइस इस बेस से मुझे प्लानिंग तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ये दोनों जो आपको इन्फ्रा टावर दिख रहे ना इन दोनों को हमको टेक डाउन करना है लाइटिंग एंड अर्थ क्यू की स्पेल के साथ में। ओके तो 4 लाइटिंग स्पेल यहाँ पर डालता हूँ मैं, 4 लाइटिंग स्पेल इसके ऊपर डालता हूँ। ओके एंड बीच में डाल दूंगा अपनी 2 अर्थ क्यू स्पेल। ओ भाई ये क्या क्या मैंने ये लेवल 2 की हो गई, मतलब कि मेरे ये मैक्स आउट नहीं है। अगर आपके मैक्स आउट है तो फिर तो ये बेस 3 स्टार निकल जाता, थोड़ा सा इन्फ्रा टावर की हेल्थ बच चुकी है एंड फिर भी बेस तो 3 स्टार निकलेगा ही क्योंकि आर्मी इतनी पावरफुल है यार। चलो पीछे से अपनी मैंने डाल दिया यहाँ पे विचेस एंड येटी वगैरह सब कुछ मैंने ड्रॉप कर दिए एंड किंग क्वीन एंड बुड्ढा डाल दिया मैंने। पीछे से अपने सारे डाल दूंगा मैं पार्टी विजार्स एंड यहाँ पर डालता हूँ अपने मिनियंस ताकि थोड़ा बहुत हमको फनल मिल जाए, हमारा टाइम से हो जाए। ओके एक और पार्टी विजार्ड मैंने पीछे डाल दिया सिंपल सा एंड मेरे पास में 3 फ्रेज स्पेल बची तो 1 फ्रेज का यूज करूंगा मैं टाउन हॉल एंड ईगल मशीन के ऊपर। बट थोड़ा सा अभी वेट करते हैं हम लोग क्योंकि हमारा ईगल मशीन अभी हमारा लॉग लॉन्चर मशीन अभी अंदर घुस रहा है ठीक है ना। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे यूज करूंगा 1 फ्रेज स्पेल का। ओ भाई ईगल मशीन नहीं हो पाई एंड इंफ्रोटार को भी फ्रेज नहीं कर सका मैं भाई साहब, एक तीर से सिर्फ मैंने एक ही निशान मारा एंड वापस से मैं डालूंगा। इस बार मैंने यहाँ पे ईगल मशीन एंड टाउन हॉल दोनों को फ्रेज कर दिया, एक और फ्रेज बची मेरे पास तो इसका मैं वापस यूज करूंगा अपने टाउन हॉल एंड इंफ्रोटार के ऊपर। ओके एंड वैसे अभी मेरी फ्रेज स्पेल तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, आप लोग लाइव यहाँ पे देख सकते हो एंड बेस हमारा 55% निकल चुका है। भाई ये एक और इंफ्रो टावर यार इसको थोड़ा सा डैमेज और पड़ जाता तो समझो ये खत्म था। बट मेरा यहाँ पे लेवल 2 का था मेरे पास में अर्थ क्यू स्पेल क्योंकि उसको मैंने यहाँ पे मतलब पोशन के साथ में बूस्ट कर रखा था पावर पोशन के साथ में, अभी वो खत्म हो चुका है शायद से तो इसलिए उसका लेवल यहाँ पे लो हो गया। ओके अगर आपके पास मैक्स आउट रहेगा तो फिर तो आप लोग बहुत सारे ट्रूप्स आपके जिंदा रह जाएंगे क्योंकि इन्फ्रो टावर ने मेरे आधे ट्रूप्स की हेल्थ यहाँ पे खत्म कर दी। बस इसको एक तीर मार दे बुड्ढा तो समझो ये खत्म है, इसका कुछ ही हेल्थ यहाँ पे बचा है आप लोग समझ सकते हो। तो फिर भी हमारा बेस तो 3 स्टार निकलेगा टेंशन ना लो, बस थोड़े बहुत ट्रूप्स हमारे पास में कम बचेंगे एक वो अर्थ क्यू की स्पेल की वजह से। ओके एंड हमारा बेस यहाँ पे 82% निकल चुका है एंड आप भी आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पीड को इंक्रीज कर दी ताकि हमारा बेस फटाफट 3 स्टार निकल जाए एंड आप लोग का टाइम भी सेव हो एंड मेरा भी यहाँ पे टाइम बच जाए। ओके एंड 91% हमारा बेस निकल चुका है, अब सिर्फ यहाँ पे इन्फ्रो टावर बचा है डैमेज के लिए एंड केनन बचा तो केनन तो वैसा कुछ कर नहीं पाएगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ओके तो केनन को तो हमारे विचेस ने यहाँ पे टेक डाउन कर दिया है एंड क्वीन की हेल्थ हमारे पास में फुल बची है, कुछ 2-3 विचेस भी बच चुकी है तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो भाई साहब बेस हो चुका है 3 स्टार। तो बस गाइस यही था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि टाउन हॉल 12 की बेस्ट अटैक स्ट्रेटजी जिससे आप किसी भी बेस को यहाँ पे 3 स्टार कर सकते हो। आर्मी कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना एंड ये भी मुझे जरूर से बता देना कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग कौन से टाउन हॉल पे लेके आए, मतलब कि पार्टी विजार्ड की अटैक स्ट्रेटजी के ऊपर। ओके अगर आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं एक ही टाउन हॉल के ऊपर तो फिर बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। तो चलो मिलता हूँ आप लोगों से जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करके रख लो ताकि आने वाले वीडियो सबसे मिस ना पाए। मिलता हूँ जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक ले गुड बाय।